प्राथमिक विद्यालय अम्बरपुर में ना तो पेयजल की व्यवस्था है और ना ही इस विद्यालय में टाट पट्टियों की व्यवस्था है, जिससे बच्चों की कई प्रकार की कठिनाइयां आती हैं। बच्चों को पानी पीने के लिए आधा किलोमीटर दूर जाना पड़ता है और जिसका वहाँ नल है गाँव में वो भी पानी पीने के लिए मना करते हैं। इस विद्यालय में जल्द से जल्द पेयजल की व्यवस्था, टाट पट्टी की व्यवस्था और मेज कुर्सी की व्यवस्था की जाए। हमारा नाम शिव कुमार त्रिपाठी, हम 24 जुलाई से इस विद्यालय में कार्य कर रहे हैं। विद्यालय नया होने के कारण से बंद तो गया था जी सर, लेकिन पूर्ण रूप से कंप्लीट नहीं था जी। पानी की व्यवस्थाएं नहीं है जी, पानी की व्यवस्था ना होने के कारण से लैट्रिन शौचालय भी सुविधा अस्त व्यस्त पड़ी हुई है। अभी विद्यालय पूर्ण रूप से किवाड़े खिड़कियाँ भी नहीं लग सकी है जी सर, यहाँ तक कि बच्चों को बैठने के लिए टाट पट्टियाँ जी, गुरु अध्यापक को बैठने के लिए कोई आगंतुक आ जाने पर भी मेज कुर्सियाँ भी उपलब्ध नहीं है जी। आप पानी पीने कहाँ जाते हैं छोटू? आधा किलोमीटर। आधा किलोमीटर दूर, ठीक। तो जहाँ पानी पीने जाते हैं वहाँ जो नल का मालिक है वो क्या कहता है आपको? बिगड़ा चुका है, यहाँ पानी नहावा पियर स्तंभवास बांध लिए हैं। आपके विद्यालय में कितने बच्चे हैं सर? 121 की संख्या वर्तमान में है। तो आप अकेले हैं सर? हाँ जी, अकेले ही हैं, इस नाते यहाँ लगाए गए हैं। कोटी बच्चों की संख्या अधिक होने के कारण से कक्षाएं चार हो गई हैं जी। तो चार कक्षाओं में से किसी एक ही कक्षा को एक समय में देखा जा सकता है जी सर। एक कक्षा में पढ़ाने लगे तो दूसरे कक्षा की अनुशासन भंग हो जाता है, बच्चे शोरगुल करने लगते हैं। कि सरकार को चाहिए था कि जो शिक्षा मित्र जैसी योजना को इन्होंने बंद कर दिया जी, बल्कि शिक्षा मित्र को बंद करके ही दूसरी कोई ऐसी योजना चलानी चाहिए जो कम पैसों पर ग्रामीण अंचल के लोग रखे जाएं जी, जी। कम पैसे में अच्छी शिक्षा, इसलिए कि जितनी कक्षाएं हो कम से कम उतने अध्यापक होने जरूरी होते हैं। खाना बनाने में सर ये दिक्कतें आती हैं, कभी कभी तो लकड़ी गीली मिल जाती है, लकड़ी की व्यवस्था पूरी तरह से नहीं स्कूल में, तो अभी नहीं गिरवाते रसोई को, लगते हैं कि वो लेके जाएं, सुबह राशन लेके जाना पड़ता है वहीं प्रधानमंत्री के यहाँ, वहाँ से राशन भी ले आओ लकड़ी भी ले आओ और पानी के लिए वहाँ ही जाना पड़ता है दूर से। मैं ये चाहता हूँ कि बेसिक शिक्षा अधिकारी शिव शंकर का फ़ोन नंबर 94-53-00-4475 है, इस पर फ़ोन करके दबाव बनाए जिससे प्राथमिक विद्यालय अम्बरपुर की जो भी कमियां हैं इसको दूर किया जाए। मैं राजकुमार, गांव अम्बरपुर, ब्लॉक छतो, जिला रायबरेली, उत्तर प्रदेश, इंडिया, अनहट के लिए।